हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके मार्च माह के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहला है आपका प्रदेश का दूसरा सीपेट। प्रदेश का दूसरा सीपेट, सीपेट मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रदेश का दूसरा सीपेट है। प्रदेश का पहला सीपेट ऑलरेडी संचालित है आपका भनपुरी रायपुर में। प्रदेश का दूसरा सीपेट खोला गया है आपका स्याही मुंडी कोरबा में। आपका प्रदेश का दूसरा सीपेट खोला गया है, याद रखिएगा। प्रदेश का पहला सीपेट भनपुरी रायपुर, प्रदेश का दूसरा सीपेट आपका स्याही मुंडी कोरबा। ठीक, नेक्स्ट है आपका आदिरंग महोत्सव 2019। इसका आयोजन किया गया है आपके खैरागढ़ में। आपका राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त प्रयास से आपका ये आदि रंग महोत्सव 2019 इसका आयोजन किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में। ठीक, ये जो आपका आदि रंग महोत्सव है इसमें ये देखिए इसमें लिखा क्या है, आदि, ये स्पेशली आपके आदिम जनजाति यानी आदिवासियों को टारगेट करते हुए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातियों से संबंधित आपके हस्तशिल्प कला, संगीत, नृत्य जो है, और ये सभी का आपका यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया। नृत्य, कला, संगीत, नाट्य, इनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प सभी की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो याद रखिएगा कि आदिरंग महोत्सव 2019 का आयोजन जो कि राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त प्रयास से इसको संचलित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका डुंगुल पहाड़ी, ये मौजूद है आपका पिलखी ग्राम जशपुर में मौजूद है आपका डुंगुल पहाड़ी। देखिए, ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मिले हैं अभी 500 वर्ष पुराने यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। डुंगुल पहाड़ी कहाँ है आपका, पिलखी ग्राम जशपुर में, जहाँ पे 500 वर्ष पुराने चावल के अवशेष मिले हैं। इसमें इस चावल के अवशेष जब इसका तो साक्ष्य एकत्रित किया गया तब इसमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जशपुर रियासत में जो आपके शासक थे डोम वंशीय शासकों के समय की ये चावल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, और ये चावल जो है ये किसी प्राकृतिक आपदा के आने के कारण ये इस पहाड़ियों में दब गए जिसके कारण ये चावल काले पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है डुंगुल पहाड़ी मौजूद है आपके पिलखी ग्राम जशपुर में, जो जहाँ पर आपके डोम वंशीय शासकों, जशपुर रियासत में जो डोम वंशीय शासक है उनके समय के ये चावल है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो इतना याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट है आपका पिंगला पुनर्वास केंद्र जो कि मौजूद है आपके सूरजपुर जिले में पिंगला नदी के किनारे मौजूद है आपका पिंगला पुनर्वास केंद्र जो कि हाथियों का पुनर्वास केंद्र है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि पिंगला पुनर्वास केंद्र कहाँ है तो ये है आपके सूरजपुर जिले में। यदि किस वन वृत्त में है पूछा जाए तो याद रखिएगा सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत ये आता है। देखिए, ये जो पिंगला पुनर्वास केंद्र है ये उत्पाती हाथियों, जंगली हाथियों का एक पुनर्वास केंद्र है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहां पर अभी आपके कुमकी हाथियों का इसे नया डेरा बनाया गया है। कुमकी हाथियों का नया डेरा। अब देखिए, ये कुमकी हाथी क्या है, ये जो कुमकी हाथी है ये हाथियों की एक प्रजाति है जिसे इंपोर्ट किया गया है आपके कर्नाटक से। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में आपके मानव हाथी संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, यानी जो हाथी कंटिन्यू आपके मानव बसाहटों की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी जान माल की जिसके कारण हानि होती है। इसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा कर्नाटक से इन कुमकी प्रजातियों के हाथियों को इम्पोर्ट किया गया है, जिन्हें काफ़ी समय से महासमुंद के सिरपुर में आपका एक पसीद नामक एक जंगल है वहाँ पे इन्हें ट्रेन किया जा रहा था। हाथी और महावत, ये जो आपकी कुमकी है, कुमकी एक पांच हाथियों का यह एक दल है जिसे महावत के साथ ट्रेन किया जा रहा था। तो ये जो कुमकी हाथियों का जो दल है इसे ट्रेन किया गया है जो आपके हाथियों के कंटिन्यू जो मानव आबादी की ओर जो कंटिन्यू वो बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए इन कुमकी हाथियों के मदद से, रेडियो कॉलर के मदद से जो जंगली हाथी है ये कुमकी हाथियों के दल को आपको जंगली हाथियों के मध्य इन्हें छोड़ा
जाएगा, जिसे रेडियो कॉलर की मदद से उन जंगली हाथियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ ये जो कुमकी हाथियों की जो प्रजाति है, इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि जब कभी भी ये जंगली हाथी आपके मानव बसाहटों की ओर बढ़े तो ये हाथियों का जो दल है ये उन्हें आगे बढ़ने से रोके। इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया गया है। एक्चुअली में जो पांच हाथियों का दल है इनके नाम भी है, जिसमें से एक का नाम है युधिष्ठिर, दूसरे का है गंगा, तीसरे का है परशुराम, चौथे का है तीरथराम और एक का है शायद योगलक्ष्मी। ठीक, युधिष्ठिर, गंगा, योगलक्ष्मी, परशुराम और आपका तीरथराम, तो ये पांच हाथियों के नाम हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट नियुक्ति। नेक्स्ट है आपके प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा जिसे छत्तीसगढ़ का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर हाईकोर्ट के आपके नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के जो 12वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश थे यानी अजय कुमार त्रिपाठी, उन्हें हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश में अभी पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई। पहले लोकपाल कौन है हमारे देश के, वो है आपके पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। तो वो उस लोकपाल, देश के पहले लोकपाल है यानी लोकपाल में अध्यक्ष है तथा उनमें एक सदस्य है। देखिए उनमें एक सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी। तो लोकपाल सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है वह एक कार्यवाहक न्यायाधीश है, कार्यवाहक न्यायाधीश है जिनका नाम है आपके प्रशांत कुमार मिश्रा, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, ये जो ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना की थी आपके डॉक्टर रमन सिंह ने, लेकिन ये जो ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन होगा इसका जो है एक पैमाना सेट नहीं किया गया था। ठीक, यानी अभी जैसे आपको सभी को मालूम होगा कि जब नई सरकार बनी तो नई सरकार बनने के बाद जो ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष पद है वो रिक्त हो गया था, जो आपके डॉक्टर रमन सिंह हैं उन्होंने सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो खेल विभाग है उसमें ये पैमाना तय नहीं किया गया था कि जो छत्तीसगढ़ का ओलंपिक संघ होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये पैमाना तय कर दिया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा उसे ही छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री है आपके भूपेश बघेल, वो ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट है 10वें पूर्णकालीन डीजीपी। 10वें पूर्णकालीन डीजीपी ये नियुक्त किए गए हैं आपके डीएम अवस्थी, डीजीपी मंस आपके पुलिस महानिदेशक। तो 10वें नंबर के आपके पूर्णकालीन डीजीपी है आपके डीएम अवस्थी, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेल। खेल में दो प्लेयर्स के नाम याद रखिएगा, एक है आपकी दीक्षा चौधरी और दूसरे है आपके बल सुब्रमण्यम। बल सुब्रमण्यम और दीक्षा चौधरी ये जो दोनों प्लेयर्स हैं इन्होंने अखिल भारतीय स्तर सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने आपके सिल्वर यानी रजत पदक जीता है। ये जो आपकी दीक्षा चौधरी है इन्होंने वुमेन्स डबल में आपकी दीक्षा चौधरी और एक तुलसी ये दो प्लेयर थे उन्होंने वुमेन्स डबल में सिल्वर मेडल जीता यानी रजत पदक जीता है। जबकि आपके मिक्स डबल यानी एक पुरुष प्लेयर रहेगा और एक महिला प्लेयर रहेगी, तो मिक्स डबल में आपके ये दोनों दीक्षा चौधरी और बल सुब्रमण्यम दोनों के दोनों का संबंध आपके छत्तीसगढ़ से है। ये दोनों प्लेयर ने आपके मिक्स डबल में आपके सिल्वर मेडल जीता है। एक वुमेन्स डबल में आपकी दीक्षा चौधरी और तुलसी का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं है, दीक्षा चौधरी और तुलसी दोनों ने वुमेन्स डबल में सिल्वर मेडल जीता है। जबकि छत्तीसगढ़ की दीक्षा चौधरी और छत्तीसगढ़ के ही बल सुब्रमण्यम दोनों ने आपके सिल्वर मेडल जीता है किसमें, मिक्स डबल में। तो दोनों प्लेयर्स के नाम याद रखिए। देखिए नेक्स्ट है आपका लोकसभा चुनाव को देखिएगा। लोकसभा चुनाव ये है आपके इंडिया, एक है आपके इंडिया का थोड़ा देखिए और छत्तीसगढ़ का देखिए। अभी हाल फिलहाल में आपके लोकसभा चुनाव के जो डेट है उसकी घोषणा की गई है। आपके इंडिया लेवल पर आपका 543 सीट के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जो कि आपके 7 चरणों में संपन्न होंगे और इसका डेट है आपका 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई के मध्य 7 चरणों में 543 सीटों के लिए आपके लोकसभा चुनाव होंगे जिसके परिणाम आएंगे आपके 23 मई को। ठीक, अब देखिए अब छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है जिसमें से आपका एसटी सीट है आपका 4 और एससी सीट है 1।
छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 आपका अनुसूचित जनजाति सीट है, जबकि 1 आपका अनुसूचित जाति सीट है। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे वो लगभग 3 चरणों में होंगे, और इसका जो डेट डिसाइड किया गया है, डेट है आपका 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल, अप्रैल में ही होंगे। 3 डेट याद रखिएगा, 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल, इन 3 डेट में छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, 3 चरणों में होंगे। सीटों की संख्या 11। ठीक, परिणाम कब आएंगे? परिणाम आएंगे आपके सेम डेट यानी 23 मई को। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है वो कौन कौन से है? 11 लोकसभा सीट है, देखिए इसे समझिएगा, छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है उसमें से आपका जो एसटी सीट है, एसटी सीट यानी अनुसूचित जनजाति सीट, अनुसूचित जनजाति लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 4, एससी सीट यानी अनुसूचित जाति लोकसभा सीटों की संख्या है 1, टोटल कितना हो गया 4 + 1 = 5। अब बचा कितना? 6 सीट, 6 सीट आपके जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए है, ओबीसी के लिए किसी भी प्रकार की सीट आरक्षित नहीं रहती, इसे याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रिजर्व है, तो एसटी कैटेगरी के लिए 4 सीट रिजर्व है, एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है, और बाकी बचे हुए 6 आपके जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक, देखिए सबसे पहले चरण, पहला चरण यानी आपका 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को आपका चुनाव होगा केवल बस्तर, केवल बस्तर की लोकसभा सीट में आपका चुनाव होगा, जो कि एक एसटी सीट है। देखिए जो जो सीट बताते जा रहे हो सीट को भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आपका लोकसभा क्षेत्र आपके एसटी सीट के अंतर्गत आता है या एससी सीट के अंतर्गत आता है। देखिए जो बस्तर का जो लोकसभा सीट है, बस्तर का लोकसभा सीट आपका एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वाला लोकसभा क्षेत्र है। ठीक, ये होगा आपका पहले चरण में, जो होगा आपका 11 अप्रैल को, केवल एक ही है, एक ही लोकसभा सीट है बस्तर, जो कि 11 अप्रैल को जहां पे आपके लोकसभा के चुनाव होंगे। क्यों होंगे? केवल एक ही जगह पर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो आपका बस्तर का जो क्षेत्र है, ये आपका नक्सल प्रभावित यानी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिस कारण से वहां पे चुनाव के लिए जो है आपकी सिक्योरिटी पर्पस से केवल एक ही जगह पर आपके वहां पे चुनाव होंगे। नेक्स्ट है आपका कांकेर। देखिए द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में आपके 3 लोकसभा क्षेत्र में आपके चुनाव होंगे, एक है कांकेर, दूसरा है राजनांदगांव और तीसरा है महासमुंद। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद, जो आपका कांकेर वाला लोकसभा सीट है, कांकेर वाला लोकसभा सीट आपका एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला लोकसभा क्षेत्र है, यानी एसटी कैटेगरी के लिए वो रिजर्वड है। कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, ठीक, 3। अब आता है आपका तृतीय चरण, तीसरा चरण जिसका चुनाव होगा आपका 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को आपके तृतीय चरण के लिए चुनाव होंगे। यहाँ पे जो बचे हुए आपके 7 सीट है, कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा। कौन कौन सा? सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा, ये 7 सीट जिसका तृतीय चरण में चुनाव होगा, जिसमें से जो सरगुजा है, सरगुजा जो है वो सरगुजा की सीट आपके एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। रायगढ़ की सीट भी आपकी एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जो आपका एकमात्र सीट है आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर का जो सीट है ये आपका एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है। देखिए कितनी सीट आरक्षित है एससी के लिए? एक, मात्र एक सीट जो कि एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और वो सीट कौन सी है? आपकी जांजगीर। बाकी जो 4 सीट जो आपके एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है वो कौन कौन से है? बस्तर, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़। ठीक, ये 4ों के नाम याद रखिएगा, और जो जांजगीर एससी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित है उसके भी नाम याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते चलिएगा। इस बार जो मान्यता प्राप्त, ये पूरे ओवरऑल इंडिया का है ना, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ओवरऑल इंडिया का है। आपको इंडिया का भी इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ, अभी सीएमओ का सिलेबस हमारा कंटिन्यू हो रहा है, तो सीएमओ के सिलेबस कंटिन्यू करने के कारण क्या है, अभी कुछ समय तक आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियोस नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ का आपको स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिलता करके मैं आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जो नेशनल इंटरनेशनल के जो करंट अफेयर के वीडियो है वो अभी फिलहाल सीएमओ एग्जाम तक नहीं आएंगे। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा आपको नेशनल इंटरनेशनल के भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चल रहा हूँ। देखिए ये इंडिया लेवल पर है मान्यता प्राप्त, इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो मान्यता प्राप्त जो आपके दल शामिल हो रहे हैं, तो टोटल राष्ट्रीय 7 राष्ट्रीय दल ऐसे हैं। देखिए 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल मतलब आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया, ये सारे आपके राष्ट्रीय दल है। ठीक, जबकि आपका क्षेत्रीय दलों की संख्या है 59, दोनों आंकड़े याद रखिएगा, क्षेत्रीय दलों की संख्या 59, राष्ट्रीय दलों की संख्या 7। क्षेत्रीय दल जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल कौन सा है? आपका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो आपके अजीत जोगी जी की जो
पार्टी है वो है आपके क्षेत्रीय दल, और आपके राष्ट्रीय दल के अंतर्गत बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीय दल में काउंट होते हैं। तो याद रखिएगा, इस बार के लोकसभा चुनाव में टोटल 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल तथा 59 यानी आपका 59 आपका क्षेत्रीय दल शामिल हो रहे हैं। अब देखिए नोटा, नन ऑफ दी अबाउ, नोटा का बटन आप सभी परिचित होंगे। इस नोटा से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये नोटा जो है वर्ष 2013 सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अधिकार दिया गया था मतदाताओं को, वो था आपका राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर 2013 में। जिसके पश्चात वर्ष 2013 में ही जो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सबसे पहली बार आपके इस नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। यानी 2013 से पहले नोटा वाला ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन जब वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन दिया मतदाताओं को, तो उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में जो वर्ष 2013 में जो आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुए, उसमें पहली बार आपके नोटा का प्रयोग किया गया था। ठीक, उसके बाद वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव या आम चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव वर्ष 2013, और पूछा जाए किस लोकसभा या किस आम चुनाव में, किस वर्ष के आम चुनाव में आपका नोटा का प्रयोग किया गया, तो नोटा का प्रयोग किया गया था वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव या आम चुनाव में। ठीक, दोनों याद रखिएगा। जबकि वर्ष 2014 का आता है तो वर्ष 2015 में नोटा को एक सिंबल दिया गया, जैसे आपका जो बीजेपी का सिंबल है आपका कमल, आपका कांग्रेस का सिंबल है आपका पंजा, वैसे ही नोटा को एक सिंबल दिया गया वर्ष 2015 में, उसे भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा चुनाव में दो चुनाव क्षेत्र याद रखिएगा, एक है आपका निजामाबाद ये मौजूद है आपका तेलंगाना, हैदराबाद के अंतर्गत आता है। ये जो निजामाबाद जो आपका ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र है या जो निजामाबाद मतदान केंद्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर आपका जो चुनाव होंगे आपके मतपत्र यानी बैलेट पेपर के माध्यम से आपके यहाँ पे चुनाव होंगे। आप सभी को मालूम है चुनाव कैसे होते हैं हमारे यहाँ, एक है आपका ईवीएम मशीन और दूसरा वीवीपैट मशीन। ठीक, तो ये दोनों के माध्यम चुनाव होते हैं, लेकिन निजामाबाद में आपका मतपत्र के माध्यम से चुनाव किया जा रहा है। कारण क्या है कि ये जो आपका निजामाबाद जो आपका चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपके उम्मीदवारों की संख्या है, एक चुनाव क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे लगभग 190 के आसपास है। एक्चुअल आंकड़े बोले तो 189 है, 190 के आसपास यहाँ पे लगभग उम्मीदवारों की संख्या है। तो इतने उम्मीदवारों की सूची ईवीएम मशीन में लगा पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये जो निजामाबाद चुनाव क्षेत्र में आपका मतपत्रों के माध्यम से यहाँ पे आपके वोट पड़ेंगे। दूसरा है आपका ताशीगंग जो कि हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, जो कि आपका हमारे देश में इस बार के जो लोकसभा चुनाव में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। लगभग समुद्र तल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर यह मतदान केंद्र मौजूद है। तो याद रखिएगा, ताशीगंग जो कि इस बार का आपके लोकसभा चुनाव का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस वर्ष का आपका नारी शक्ति सम्मान सम्मानित किया गया है आपके रजनी रजक, जिन्हें इस वर्ष आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रजनी रजक को आपके नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, इन्हें यह सम्मान इसलिए प्रदान किया गया, ये जो आपकी रजनी रजक है, ये BSP में कार्यरत आपकी एक एम्प्लॉय है। ये जो रजनी रजक है ये आपके ढोला मारू की निर्देशिका है तथा छत्तीसगढ़ की एक लोक गायिका है, जो अपने लोक गीतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं तक संदेश पहुंचाती है। ठीक, तो जैसे इनका एक जो गीत जो काफ़ी फेमस है वो है आपका हमन नारी अवनिया। इस गीत के माध्यम से वो महिला सशक्तिकरण के संदेश लोगों तक पहुँचाती है। तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनके कार्य को देखते हुए इन्हें नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ठीक,
नेक्स्ट है आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान। दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान, ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है आपके बीएसपी के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट में अभी हाल फिलहाल में आपका 42वां लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसमें ही आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान प्रदान किया जा रहा है आपका जय जोहार लोक कला मंच। जय जोहार लोक कला मंच ये है आपके बिलासपुर। बिलासपुर के जय जोहार लोक कला मंच को आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये जो आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख है, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में लोक कला के क्षेत्र में आपके तीन पर्सनैलिटी काफी फेमस है, जैसे दाऊ दुलार सिंह मंदिरा जी, महासी चंद्राकर और एक है आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख। इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के लोक कला का साधक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक कला का साधक किन्हें कहा जाता है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के लोक कला का साधक कहा जाता है आपके दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को। तो लोक कला के क्षेत्र में योगदान के लिए आपके जय जोहार लोक कला मंच बिलासपुर को आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। देश का सबसे उत्कृष्ट थाना ऑल ओवर इंडिया, देश का सबसे उत्कृष्ट थाने के रूप में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है आपका धमतरी का कोतवाली थाना। धमतरी के कोतवाली थाना को जो भी आपके केस होते केस के त्वरित निपटारा के लिए, उसके बाद आपका कंप्यूटिंग पुलिसिंग के लिए और उस जो उसके कोतवाली थाने के क्षेत्र में जो भी आपका उसके अंडर में जो एरिया आता है उसमें जो है जो गतिविधियां हैं यानी जो क्राइम्स रेट है वो कंटिन्यू कम हो रहे हैं, तो इस सभी क्षेत्र में इसके कार्यों को देखते हुए धमतरी के जो कोतवाली थाना है उसे देश का उत्कृष्ट ओवरऑल इंडिया में देश का उत्कृष्ट थाने के अवार्ड से अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए तथा संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के द्वारा कुछ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल अखिल भारतीय स्तर पर एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जबकि क्षेत्रीय यानी राज्य स्तर पर चार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन हम केवल दो पुरस्कार के नाम देखेंगे। देखिए पहले नंबर पर है आपके महर्षि वेदव्यास जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है तथा महर्षि वेदव्यास आपका सम्मान प्रदान किया गया है संस्कृत भारती संस्था को महर्षि वेदव्यास सम्मान प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के द्वारा। ठीक, जो कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के में बढ़ावा या उसके क्षेत्र में कार्य को देखते हुए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि सम्मान प्रदान किया गया है आपके राज्य स्तर पर डॉक्टर कुमुद कोन्हे को आपका महर्षि वाल्मीकि सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम। नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी कार्यक्रम इस क्षेत्र में जो आपके सीएम भूपेश बघेल यानी हमारे जो प्रदेश के भूपेश बघेल है उन्हें आमंत्रित किया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा। ब्रिटिश संसद को संबोधित करने के लिए आपके जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें आमंत्रित किया गया है ब्रिटिश संसद में। ये हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कि ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे। देखिए ये नरुआ गरुआ घुरुआ और बाड़ी कार्यक्रम क्या है, नरुआ कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के में जितने भी नाले हैं जितनी भी नदियां हैं उनमें छोटे छोटे चेक डैम और स्टॉप डैम बना करके आपके सिंचाई जो छत्तीसगढ़ में जितनी भी कृषि भूमि है उसे सिंचाई सुविधा मुहैया कराना, ताकि जो कृषि भूमि है वो पूरे वर्ष भर उसमें द्विफसलीय आपके कृषि भूमि के रूप में उसको उपयोग किया जाए। द्विफसलीय मतलब आपका देखिए पर्टिकुलर आप सभी को मालूम होता है खरीफ का फसल होता है रबी का फसल होता है, लेकिन एक बार किसी कृषि भूमि पर आपका कोई एक फसल उगाने के बाद उस भूमि का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन एक ही भूमि का एक साल में दो बार फसल के रूप में उसका उपयोग हो सके इसके लिए ये नरुआ कार्यक्रम लाया गया है। ठीक, दूसरा है आपका गरुआ कार्यक्रम जो कि पशु संरक्षण और पशु विकास कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हर गांव में एक गौठानों की स्थापना की जाएगी, उस गौठानों में पशुओं के रहने के लिए एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनके लिए चारा जो वहां पे शासकीय भूमि है वहां पे चारा उपलब्ध कराया जाएगा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इसके साथ साथ आपका कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही साथ जो इनके जो आपके गाय रहेंगे उनके गोबर से यहां पे गोबर गैस का निर्माण किया जाएगा, यानी एक कंप्लीट यूटिलाइजेशन एक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है इस गरुआ कार्यक्रम के अंतर्गत। घुरुआ जैसा
आप सभी को मालूम होगा ये एक्चुअल वर्ड है घूर। इसमें क्या करते हैं, जो गांव में जैसे आप सभी को मालूम है ये एक परंपरागत एक पद्धति है जिसमें क्या होता था, एक गड्ढा खोद करके जो भी आपके हरी सब्जी के जो अवशेष बचे हुए हरी सब्जी, उसके अलावा जो आपके गाय के गोबर है, बकरी के गोबर है, उन्हें एक जगह डंप करके उसे सड़ाया जाता था और सड़ा करके आपका उससे खाद बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये परंपरा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो घुरुवा के माध्यम से जो रासायनिक आपके उर्वरक है उसके स्थान पर जैविक खाद, स्वयं के द्वारा बनाए गए जैविक खाद के उपयोग किए जाने के लिए आपका ये घुरुवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाड़ी कार्यक्रम जैसे आप सभी को मालूम होगा कि जो गांव में जो भी किसान रहते हैं, किसान अपने बाड़ी पे छोटा सा एक बगीचा बना के रखते हैं जहां पे थोड़े बहुत मात्रा में आपके सब्जियां और आपके कुछ फल फूल उगाते हैं। लेकिन अभी की इस आधुनिकता के युग में ये भी समाप्त होते जा रहे हैं, तो इस बाड़ी कार्यक्रम को भी इस नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से ये सारे चीजों को आपके आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी कार्यक्रम के बारे में बोलने के लिए सीएम भूपेश बघेल को ब्रिटिश संसद में आमंत्रित किया गया है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। हाल फिलहाल में अभी राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग आई है। देखिए सबसे स्वच्छ राज्य, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि बोले तो ये पुरस्कार है आपका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, वर्ष 2018-19 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को। देखिए टॉप थ्री स्टेट कौन कौन से देख लीजिए, सबसे स्वच्छ राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, झारखंड दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकेंड झारखंड और थर्ड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे स्वच्छ शहर, सबसे शहर जो कि 1 से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों का जो स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग की गई है उसमें पहले पोजीशन पर है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर, ठीक। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ में सेकंड पोजीशन पर जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, वो सेकंड पोजीशन पर है इस रैंकिंग पे। भिलाई आपके 11th यानी 11वें नंबर पर है, 28 यानी 28वें नंबर पर है आपका बिलासपुर और 41वें नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आपके 41वें नंबर पर है, पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर अंबिकापुर, 11वें नंबर पर भिलाई, आपके 28वें नंबर पर बिलासपुर और 41वें नंबर पर है आपका रायपुर, सभी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ राजधानी, यानी ओवरऑल इंडिया में सबसे स्वच्छ राजधानी है आपकी मध्य प्रदेश की भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो आपके सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में सामने आया, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक। तो ये सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, स्पेशली जो लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है उसे याद रखिए। उसमें जो आपके ST SC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उस सीटों के नाम, कौन कौन से सीट है, कहाँ कहाँ पर है, सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार PSC में भी इससे प्रश्न उठाए गए थे और आपके जो व्यापम द्वारा एक दो एग्जाम हुए, जो आपकी विधानसभा का जो आपका आरक्षित सीट है उससे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हमने मार्च माह के करंट अफेयर पर चर्चा किया, यहीं समाप्त होता है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।